पेडण्या पहिलेच फाट रंगमंचार पेडणेच्या भगवती इश्कॉलाच्या 520 विद्यार्थ्यांनी सादर केल्ल्या शंभूराजे या महानाट्यान गोंयान नवो इतिहास घडयलो. ह्या महानाट्याच्या राज्यान विविध सुवातांचेर प्रयोग जावचो म्हण आपूण यत्न करतलो अशें मंत्री गावडेन सांगला. आरटीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. ज्ञानेश्वराने वयाच्या 16व्या वर्षी ज्ञानेश्वर लीला हे आपल्याला माहित आहे, पण याच शंभूराजाने वयाच्या 14व्या वर्षी बुधभूषण हा ग्रंथ लिहिला हे आम्हाला माहित असू नये. त्यासाठी छत्रपती संभाजी महाराजाने 124 त्या 35 वर्षात 125 लढाया केल्या, पण एकही लढाई न हरता या जगातला सर्वात युवराज म्हणून त्याचं नाव आज घेतलं जातं. आणि तेच संभाजी, छत्रपती संभाजी महाराज, आणि ते संभाजी महाराजांचं आज महानाट्य याच व्यासपीठावर होत आहे. मला वाटतं या संबंध गोव्यामध्ये एक इतिहासकारी हे पाऊल आहे, ज्याने पण 520 कलाकारांना घेऊन त्याने एक उघड्या पटांगणावर महानाट्य आणलेलं आहे. देशभक्ती के बारे में भी उस पिता को बहुत प्रसन्नता होती है, संतोष होता है कि जो सपना मैंने देखा वो सपना अपने पुत्र की आंखों में उतार सका. ऐसा होता है तो केवल और केवल वह परिवार नहीं, वह वंश नहीं, बल्कि देश गौरव प्राप्त करता है. मैं सोच रही थी यहाँ बैठने पर शिवाजी और संभाजी की बात तो होगी ही हो रही है, लेकिन जीजा माता के बारे में सोचते हुए मुझे ऐसा लगा, क्या सपना देखा अपने बेटे को कहां से कहां पहुंचाने का. वो कौन सा समय था, किसने उनको सिखाई देशभक्ति, बहुत कुछ उनके लिए वही पढ़ा है सुना है. और उनका नाम भी ये पिता और पुत्र के साथ बंधा हुआ है. मुझे शकुंतला की याद आ गई जो कर्म ऋषि के आश्रम में रहती थी और जिसने भरत को किस तरह से शेर से खेलना सिखाया, कितना महान बनाने की उसकी कल्पना थी और बनाया, और उसकी पहचान अपने पिता को दिलवाई, और जिनके नाम पर हमारा भारतवर्ष नाम पड़ा. तो हम Jump on.